द्वारपाल महल में चले जाओ और जा करके बेटा भरथरी और विक्रमादित्य को बुला करके राज करवाना। जो आपके पास आप परमार के बैठा द्वारपाल, तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि जब भी बोला कर आराम से बोला कर, कभी कभी तो जल्दी जल्दी में कहना कुछ और होता है, कहते हो कुछ और। क्या कहे हो आप सुनो का मैं तुम कहे हो अपन मार के बैठा आपन मार के बैठा हाँ। चुप रहा महाराज, आप पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हवा राजा महाराजा हवा, कम से कम आप ज्ञान होकर चाहिए कि अपने से अपन क्यों मार ले। आसन मार के बैठा कबले खड़ा रहा ए बाबू बेटा, बाबू बेटा राजा का आपको बताओ अब राजा का लड़का हाँ तो नाम लेके चिल्लाई छोड़ भी लड़नी है। महाराज भरथरी जी और विक्रमा जी दोनों दरबार में उपस्थित हमें जी के चरण में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी बेटा भरथरी और विक्रमादित्य मेरे पूर्वजों की ये परंपरा रही है कि जब उनका तीसरा पनाता था तो इस राजताज को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते
काल में प्रवेश कर चुका हूँ। अभी यह तो पूर्वज जो उन्हें गलत कराना क्या क्या बकरा है क्या करे हो जैसे छोटे मालिक उम्र के हिसाब से कौन चीज कहना के चाहते हो कौन काम करा हाँ। कम उम्र का हवा तो हीरो काम करत हवा हाँ। जैसे पुरानिया हजब तो मंत्री बने लगवा हाँ। उससे पुरानिया हजब राजा बने लगवा हाँ। उससे जब पुरानिया बात कम से कम झाल बजावे लगवा हाँ। कहो आगे कहो उम्र के हिसाब से पिताजी जा रहे बेसिया की तपस्या तुमको समझने में भी हाँ हो सही है तो आप सही कर अरे पिताजी आप पागल हो चुका समझ नहीं पाए जानते हो मैं तपस्या कहा हूँ तुम वेश्या कहे हो तो ठीक है बेटा भरथरी और विक्रमादित्य दोनों भाई आपस में राय कर लो कौन इस राज का कार्यभार संभालेगा पिताजी आप तो खुद ही जानते हैं छोटा भाई को राज बांध दीजिए मैं भरथरी हूं कहीं मन नहीं लगता पिताजी और कहां मैं रहता हूं कहां जाता हूं कब कहां जाता हूं पिताजी कहीं मन नहीं लगता मेरा छोटा भाई विक्रमाजीत है उसको राजपाट दे दीजिए पिताजी यही देखभाल करेंगे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आप एक मुख से शोभा नहीं दे रहा है आप जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं ए पगला मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं भैया आपकी बातों में हमें फिर नहीं मिल रहा है नहीं कोई हुआ है और भैया अगर दिल से अपने सोचिए कि कहीं मैं इस राज और ताज को लेकर चला रहा हूं इस राज के लोग क्या सोचेंगे कि एक बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राज और ताज चला रहा है ये यहाँ का नियम है खिस्सा खाती भाई का भाई में कई चाहिए क्या समझ रहा है हम वो भाई नहीं है जैसे हम जैसे राम लक्ष्मण थे उस तरह है हम लोग अच्छा आप लोग राम लक्ष्मण जैसे भाई हो और क्या बढ़िया हो सही रही राम और भविष्य सार बनो ही रहा वो तो भाई है राजा हाँ भाई थे महाराज पिताजी महाराज गजब हो जाइए पिताजी हो जाइए क्या ना बड़का भैया चलाओ थो और छोटका बाबू चलाओ तैयार हो आपने मारी पिटा करी है आई पुलिस उठा के दंडा कर दी पुलिस हम है अदालत हम है हम आने के ना हिंद आने लोग आप फैसला सुना बन जा बेटा भरथरी और विक्रमादित्य दोनों भाई आपस में तकरार मत करो पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी आप तो जानते हैं भैया इस राज में बड़े हैं हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ और कहीं मैं इस राज और ताल को चला रहा हूँ मैं तो सोचा था कि तुम दोनों भाई आपस में फैसला करो कर लो लेकिन अब मुझे पूरी हाँ पिताजी आप जो फैसला करेंगे हमें वही मंजूर होगा तो ठीक है बेटा घर खरी पिता के रहने के बाद बड़े बेटे का अधिकार होता है और यही दुनिया का नियम है यही हमारा वेद शास्त्र भी कहता है इसलिए भरथरी इस राज का कार्य भारत में ही संभालना हो बहुत बढ़िया महाराज भरथरी की जय हो भारत कर्म कर हर लिखल कर बाबू के हो नाही मैं तय हो बाबू के हो नाम तय हो सुन ले Thank you.
बिखरा दे, मेरे लिए साधारण वस्त्र मंगवा दो और ये राजसी वस्त्र मेरे शरीर से उतार दो। और कौन जी छोटे मालिक जाओ पिताजी के लिए साधारण वस्त्र लेकर आओ। जाओ उत्तराधिकारी हमारे बड़े महाराज भर्तृहरि जी हुए हैं। महाराज पहले डीजल पेट्रोल कम करवा कर क्या बात है कि आप लोग राजा हो गए ना लोग। पहले पेट्रोल डीजल अच्छा भैया जाने के ना कि मैं जानूंगा सस्ता कर देगा महाराज क्यों गरीबी हालत है आप लोग राजा महाराजा हवा सब सस्ता हो जाएगा बड़े मालिक आप इस राज के उत्तराधिकारी हो गए हैं सारे प्रजा को आप देख रेख करेंगे सारे प्रजा की सेवा करेंगे ठीक है आज की सभा यहीं से समाप्त करते हैं जा मेरे संबोधित करवा लो हाँ छोटे मालिक 30 रुपया खुला ले ले बाबा 20 रूम में पले बोलिए जा जा दिमाग ले जा क्या आधी क्या होता है लो मैं नहीं जानता उस बारे में आधा जो वाला मेरी 50 रुपया का चलो 50 रुपया ले लो क्या है वो ठंडा हाँ ठंडा चलेगा अच्छा ये बतलाओ ठंडा के लिए मांगा है कि दारू के लिए मांगा है कौन चीज खरीदे से ताकत बेसी होला दूध दही घी चुप रहा दूध दही घी बता दो इनमें जोश और क्या इनमें ताकत और क्या 6 महीना खा कर देखो
एक छह महीना खाए ताकत दिखाई और क्या? ये तो सुना हो, एक एक खा के देखा तू हम तो 5 मिनट में रिजल्ट दे। क्या? 5 मिनट में का रिजल्ट ला, 6 महीना साल भर ला, 5 मिनट अब हम तुरंत जी एफ आई वो ही कर तुरंत लाल सिंह निकल के बाहर घूम रहे हैं। अरे तू तो कुछ पैसा तो पहले पैसा तो ये सब नहीं चाहिए चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए जी मालिक, और भैया को इस राज का उत्तराधिकारी बनाकर चले गए जी मालिक। पूरे राज में घूम कर ऐलान कर दो कि कल भैया की राज तिलक होगी। सब लोग की हाँ, सभी लोग को तो घर में बुलाया जाए। मालिक घाटे पे जाइए लोग। क्या घाट पर? हाँ। किसका घाट है तुम्हारा? घाट में बेटिया भिजारा में जाए पड़ी ना। ठीक है, वहां से लोग से नहीं जब वहां से खा ले। इस समय जो है ये सब बोला देंगे। हाँ यार, क्या इस समय भैया राज का मालिक ये कह गया। सारे राज वालों को सूचित किया जा रहा है, इस राज और दास के उत्तराधिकारी महाराज भर्तृहरि जी हुए हैं और अब भारी से भारी संख्या में आकर इस राज तिलक का शोभा बढ़ावे। सारी व्यवस्था के लिए सारी लोगों के लिए महाराज की तरफ से व्यवस्था उपलब्ध है। आप लोग भर भर पेट लेकर जाएं, गांजा नशा के बारे में जान जा।